हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर विद शालिनी। सो पहले ही मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत गर्मी है तो इसलिए मैंने फ़ैन ऑन रखा है। सो अगर फ़ैन का थोड़ा नॉइज़ आप लोगों को सुनाई दे तो इसके लिए आई एम सॉरी गाइस। और मेरे घर भी रोड के पास है और मेरे नेबर में भी कुछ काम चल रहा है, तो आज बहुत सारा नॉइज़ शायद आप लोगों को सुनाई दे। सो इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। सो आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि मैं अपनी हेयर केयर रूटीन बताऊं। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो बना लूं इसके ऊपर। और गाइस, आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरे वीडियो में और वीडियो के एंड में भी बहुत सारी टिप्स शेयर किया है आप लोगों के साथ। सो चलिए और देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑयलिंग। ऑयलिंग बहुत जरूरी होता है हमारे हेयर के लिए, हमारे हेयर के नरिशमेंट के लिए, हमारे हेयर फॉलिकल से जो सीबम सीक्रेट होता है। तो स्ट्रेट हेयर में क्या होता है कि वो सीबम सीधा हमारे बालों के एंड तक आ पाता है, और कर्ली हेयर में क्या होता है कि वो हमारे कर्ल्स की वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं आ पाता है। फॉर दिस कर्ली हेयर लुक सो ड्राई एंड फ्रिजी, इसकी वजह से ऑयलिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमें वीक में 2 दिन ऑयलिंग करना ही करना है अपने हेयर को। आप 2 तरह से ऑयलिंग कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अपने हेयर में अच्छे से ऑयल मसाज करके आप फिर सो जाइए, और नेक्स्ट दिन आप फिर हेयर वॉश कर लीजिए। और सेकंड जो है कि आप नहाने के 1 घंटे पहले आप अपने हेयर में अच्छे से ऑयल मसाज कर लीजिए, 1 घंटे बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। मैं केश किंग ऑयल यूज़ करती हूँ, या मैं जो प्योर कोकोनट ऑयल है वो यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और ऑयल मसाज करने के टाइम पे बहुत ही लाइटली आप अपने हेयर में और अपने स्कैल्प को और अपने हेयर रूट्स को अच्छे से मसाज कीजिए, बहुत ही लाइटली। ऑयल मसाज करने से हमारे स्कैल्प में और हमारे हेयर फॉलिकल्स से हमारे पूरे हेयर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे हेयर को नरिशमेंट मिलता है और हमारे हेयर में एक शाइन आता है और बहुत ही हेल्दी दिखता है हमारा हेयर। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लड़की क्यों अपने आप हंस रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पागल नहीं हुई हूँ। मेरी कजिन सिस्टर है सोनाली, वो कैमरा के पीछे बैठी है और हम गप्पे लड़ा के वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं हंस गई हूँ। और उसने मुझे कल बहुत हेल्प किया ये वीडियो शूट करने में, सो थैंक यू सोनाली। और अच्छे से हमारे बालों में ऑयल मसाज करने के बाद हम एक वाइट टूथ कोम लेंगे और अपने बालों को हम अच्छे से कोम कर लेंगे, ताकि हमारे बालों में कोई भी टैंगल ना रहे। और अब बारी है शैम्पू की। सो मैं यूज करती हूँ लॉरियल की 6 ऑयल नरिशमेंट शैम्पू। और मैंने ट्रेस्मी, डव और हेड एंड शोल्डर भी यूज करके देख लिया है, लेकिन मुझे सूट नहीं होता है वो सब। मुझे ये शैम्पू बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें 6 टाइप्स ऑफ ऑयल है, जो कि हमारे ड्राई हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जितनी अच्छी तरीके से ये शैम्पू मेरे बाल को क्लीन करती है, और मेरे बालों को ये बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करती है, बहुत ही मॉइस्चराइज रखती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही चाहिए एक शैम्पू में, कि अगर आपके बाल बहुत ही ड्राई हो तो मेक श्योर कि आपके शैम्पू में ऑयल हो, ताकि ये आपके बालों को बिल्कुल भी ड्राई आउट ना करे। और जिस प्रोसेस में मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, वैसे ही आप अपने शैम्पू को पानी में मिक्स करके आप तभी अपने हेयर पे अप्लाई कीजिएगा। डायरेक्ट अगर आपने शैम्पू को अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं तो वो आपके हेयर को बहुत ही ड्राई आउट कर सकता है, और हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। और हेयर में ऑयल होने की वजह से पहले शायद आपके शैम्पू में वो झाँझ ना आए, तो आप अपने हेयर के लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से आप 2 बार या 3 बार अपने हेयर को शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप शैम्पू के टाइम लुकवॉर्म वाटर यूज करें अपने हेयर को वॉश करने के लिए। थर्ड स्टेप इज कंडीशनर। कंडीशनर के लिए आप जो ब्रांड के आप शैम्पू यूज करते हैं, उसी ब्रांड के ही आप अगर कंडीशनर यूज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और कंडीशनर अप्लाई करने के टाइम जो गलती हम सबसे ज्यादा करते हैं, वो है कि हम अपने हेयर रूट से लेके एंड तक हम कंडीशनर को अप्लाई करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी हमारे स्कैल्प में और हेयर रूट्स में हम कंडीशनर नहीं लगाएंगे। सिर्फ हमारे स्कैल्प और हेयर रूट्स के लिए है ऑयल एंड शैम्पू, और हमारे लेंथ से लेकर हमारे एंड तक इस पोर्शन के लिए है कंडीशनर और सिरप। कंडीशनर को अपने हाथों पे लेके दोनों हाथों में रब करके हमारे हाफ लेंथ से, हमारे हेयर के जो लेंथ है वो हाफ लेंथ से एंड तक हमें बहुत जेंटली हमें
कैसे अप्लाई करना है और कंडीशनर अप्लाई करते हुए हमारे फिंगर के हेल्प से हमारे हेयर को कोम करना है, ताकि अगर शैम्पू के टाइम अगर हमारे हेयर में कुछ टैंगल हो गए हो तो वो सुलझ जाए। और जिस प्रोसेस से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ उसी प्रोसेस से हमें कंडीशनर अप्लाई करना है। एंड द फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है कि हम हमारे बालों को कैसे ड्राई करें। जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, मैं भी करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ थैंक गॉड, कि नॉर्मल टॉवल्स होते हैं जिससे हम हमारे बॉडी को ड्राई करते हैं, हम उससे ही हमारे बालों को ऐसे रफ करके और हमारे बालों को यू नो कितने टॉर्चर करके हम हमारे बालों को ड्राई करते हैं। फिर क्या होता है, जो हम मेहनत करते हैं हमारे बालों को इतने अच्छे से हम ऑयलिंग करते हैं, फिर अच्छे अच्छे शैम्पू से हम वॉश करते हैं, कंडीशनर देते हैं, वो सारे स्टेप्स फेल हो जाता है और हमारे बाल फिर से वही ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। और इसलिए हमारे बालों को ड्राई करने के लिए नॉर्मल टॉवल कभी यूज नहीं करना है। तो बालों को ड्राई करने के लिए या तो माइक्रोफाइबर टॉवल या फिर कॉटन टी शर्ट ये आप यूज कर सकते हैं। सो मेरे पास माइक्रोफाइबर टॉवल नहीं है तो मेरी एक पुरानी कॉटन टी शर्ट है वही मैं यूज करती हूँ। तो मैं जिस प्रोसेस से यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, और इससे आपके बालों में बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होगा और आपके जो कर्ल्स है आपके कर्ल्स को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेफिनेशन मिलेगा और आपके बाल बहुत ही हेल्दी लुक मिलेगा। 10-15 मिनट्स के बाद मैं इसे खोलती हूँ और इसे खोलने के बाद मेरे हेयर सेमी ड्राई हो जाता है और मेरे हेयर बहुत ही हेल्दी लगता है, बिल्कुल भी फ्रिज नहीं लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे बालों में बिल्कुल भी फ्रिज नहीं है और मेरे कर्ल्स को कितना अच्छा डेफिनेशन मिला है। और फिफ्थ और जो लास्ट स्टेप है वो है सिरम। मैं यूज करती हूँ स्ट्रिक्स प्रो हेयर सिरम। मैं पहले लिवॉन यूज करती थी और लिवॉन यूज करने के बाद मेरे बाल और भी ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाता था, सो मैंने स्विच किया ये स्ट्रिक्स हेयर प्रो सिरम में, और ये बहुत ही अच्छा सिरम है। और आप आपके जो भी पसंदीदा सिरम है आप वो भी यूज कर सकते हैं, और वही सेम प्रोसेस में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आप ऐसे ही सिरम को अपने बालों में अप्लाई कीजिएगा। सो फाइनल टिप्स ये है कि आप बहुत सारा पानी पीजिए, क्योंकि पानी से बेहतर और पानी से अच्छा कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा पानी पियेंगे आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। एक ग्लूकॉन डी पानी पी रही हूँ, आप भी बहुत सारा पानी पीजिएगा। सो गाइज, ये थी मेरी हेयर केयर रूटीन। आई होप कि आप लोगों को ये रूटीन पसंद आएगा और मुझे जरूर आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आप लोगों को कैसे लगा है मेरा ये हेयर केयर रूटीन। और आप भी अगर मुझे कोई टिप्स देना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके वो भी दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन बाय।